Audio Jungle. Audio Jungle. हे नमस्कार दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है टेक रेडोड हिंदी में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप अपने डिवाइस में स्टॉक रिकवरी को कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। भाई जैसे कि अगर आपने अपने डिवाइस में कस्टम रिकवरी को इंस्टॉल कर लिया है, कस्टम रिकवरी जैसे TWRP वगैरह ये सब इंस्टॉल कर लिया है, तो आपको अगर आप चाहते हैं अपने ओरिजिनल रिकवरी में बैक जाना, तो उसके लिए आपको एक आपका स्टॉक रिकवरी डाउनलोड करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने डाउनलोड कर लिया है और इसको कैसे इंस्टॉल करना है ये मैं बताता हूँ। तो आज इस वीडियो को देखते रहिए। तो भाई अगर जो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। सब्सक्राइब करना भाई बिल्कुल फ्री है। तो यहाँ पे जैसे कि रिकवरी, ये मेरा स्टॉक रिकवरी है। तो आप अगर आपका कोई भी डिवाइस है तो आप अपने गूगल पे सर्च करें अपने डिवाइस के बारे में, तो आपका रिकवरी मिल जाएगा। वैसे ये मेरा रेडमी नोट 4 है। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले अपने डिवाइस को पावर बंद किया और यहाँ पर ऑफ करने के बाद आपको अपने TWRP रिकवरी मतलब कि उसमें आपको बूट करना है। तो बूट करते हैं, जैसे कि अभी मेरा ये बूट हुआ। तो अब यहाँ पे वॉल्यूम अप बटन को और पावर बटन को क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपका वो जो आपका कस्टम रिकवरी है वो आ जाएगा। तो भाई ये आप स्टॉक रिकवरी का इंस्टॉल करने का फ़ायदा अगर आपको पता नहीं है तो मैं आपको बता दूँ। जैसे कोई जो आप जिस ब्रांड का फ़ोन यूज करते हैं, अगर वो ब्रांड उस डिवाइस के लिए अपडेट दे दे उस मॉडल नंबर के लिए, तो वो अपडेट जो है कस्टम रिकवरी के थ्रू इंस्टॉल नहीं होती है। उसके लिए आपको अपना स्टॉक रिकवरी चाहिए, तो उस कारण से स्टॉक रिकवरी ज़रूरी होती है। तो जैसे मेरा अपडेट आ गया था और मैंने यहाँ पे अपने रिकवरी को इंस्टॉल किया हुआ था TWRP को। तो यहाँ पर जो अपने रिकवरी में बूट करके इंस्टॉल पे क्लिक करना है और अभी आपको यहाँ पे स्टोरेज अपना सिलेक्ट करना है और रिकवरी पे जाना है, उस रिकवरी वाले फाइल पे जो IMG फाइल में था। तो यहाँ पे इंस्टॉल IMG करोगे तो आपका जो है वो IMG फाइल आ जाएगा। तो फाइल आने के बाद आपको जस्ट उस पर क्लिक करना है, तो आपको बूट और रिकवरी का ऑप्शन आएगा। तो आपको रिकवरी पर क्लिक करना है, स्वाइप टू फ्लैश कर देनी है। तो ये आपका जो है स्टॉक रिकवरी है वो फ्लैश हो जाएगा बिना कंप्यूटर के। इसमें कंप्यूटर की आपको ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ी। तो ये बहुत ही अच्छा फीचर है कि हम जो इजीली तरह से अपना जो ओरिजिनल रिकवरी है उसमें भी जा सकते हैं। तो अब मैं बूट कर रहा हूँ अपने डिवाइस को। तो यहाँ पे बूटिंग के बाद अगर आप रिकवरी में बूट करोगे तो इस बार TWRP रिकवरी नहीं आएगा, आपका वो ओरिजिनल रिकवरी आ जाएगा जिसे आपने इंस्टॉल किया था। तो अब इसी तरह से आपके डिवाइस में अगर कोई अपडेट्स आया है तो आप उस अपडेट को इंस्टॉल कर सकते हो। तो बहुत ही अच्छा फीचर है कि जिस तरह से आप अपने ओरिजिनल रिकवरी में बैक हो सकते हो। अगर आपका डिवाइस में अपडेट आता है तो अपडेट भी कर लोगे। तो ऐसे ही और भी अपडेट्स जानकारी के लिए, इस कस्टम रिकवरी मोडिंग वगैरह इन सब वीडियोस के लिए चैनल के साथ जुड़े रहें ताकि आपको और भी इंटरेस्टिंग हेल्पफुल वीडियोस मिलती रहे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए जो आपको यहाँ पे रेड बटन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको बेल आइकन आएगा तो उस पर क्लिक कर लें। उससे जो है कि आपको जब भी मैं कभी वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको जल्द से जल्द नोटिफिकेशन आ जाएगा। और यहाँ पे लाइक बटन पे क्लिक कर दें और यहाँ पे शेयर भी कर सकते हैं अगर जो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है तो।